Career Kul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12 and career counseling services. Hi friends and welcome to Career Kul, the educational gurukul. We are a small firm and we try to tell you kitne tarike careers aapke liye ho sakte hain. We do this on the basis of a personality test, an aptitude test and an interest test. And then we also tell you ki aapke career path kaisa hoga, placements alag alag colleges ki kaisi hain aur university ki rankings kaisi hain, how you can go and study abroad. Before moving on, do subscribe to our channel and press the notification icon so that you know ki hum kaun sa career ko is waqt aaj bana rahe hain aajkal. And if you have any doubts or you want specific videos, you can tell us so that we can research and analyze and then make the video for you. Today we are going to do a research and analysis of Graphic Era University. Dekhi, IIT, NIT, BITS, VIT, IIITs, in sab ko chhod ke, total jo students hain, kam se kam 8 se 10 lakh bachche JEE mains dete hain. Aur ye saaron ki bhi hum seats agar mila lein, to 1 lakh se upar nahi jayegi seat. Uske baad jo 7 lakh bachche ke alag alag private colleges mein पढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेज कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ कुछ नए खुले हैं और वो लोग क्या करते हैं कि समाज कल्याण जो स्कॉलरशिप दे रहा है उस बेसिस पे कहीं पे भी एडमिशन ले लेते हैं एंड दे थिंक कि जो बीटेक की डिग्री है वो उनको जॉब ही दिला देगी. बट दिस इज नॉट ट्रू. हमें थोड़ा सा इसे ज्यादा देखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमें फैकल्टीज को देखना है, हमें स्टूडेंट कल्चर देखना है, हमें देखना है कि वहाँ का ओवरऑल कल्चर कैसा है, क्योंकि वो जो कल्चर है 4 साल जब आप रहेंगे वो आप पे इम्पैक्ट डालेगा. तो अब एक बात इस पे आते हैं कि ग्राफिक एरा 24 ईयर पुराना है. 24 ईयर्स, 5-10 साल पुराना कॉलेज नया ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो सारा टाइम सेटअप करने में ही लग जाता है. उसके बाद जो है प्लेसमेंट्स पे ध्यान दिया जाता है और 15 ईयर्स के बाद एक मैच्योरिटी लेवल आता है और 24 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम. तो ये काफ़ी अच्छा सेट कॉलेज है. इनकी रैंकिंग अगर हम देखें तो इनकी रैंकिंग जो है 104 है इंडिया में, विच इज़ नॉट अ बैड रैंकिंग एट ऑल. इसके आसपास जो कॉलेज है वो है VJTI, जो मुंबई का कॉलेज है 105 पे. अगर हम इनको कंपेयर करें उत्तराखंड में ही पहले कि बाकी कॉलेजेस की रैंकिंग कैसी है, ये NIRF के बेसिस पे है और NIRF के बेसिस को आप बिल्कुल डिस्कार्ड मत करिए, क्योंकि NIRF ने बहुत ज्यादा अच्छा डेटा कलेक्ट किया है. तो उसी बेसिस पे मैं आपको इस बार बता रहा हूं. IIT रुड़की जो है 6th नंबर पे है, ग्राफिक एरा 104 पोजीशन पे है. उसके बाद 141 पे जीबी पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और UPES 145 पे है. अब मैं यहां एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, अगर हम नॉर्मली पूछें किसी से भी एक जनरल परसेप्शन कि UPES की ग्राफिक है ना, उन्हें लगता है कि नहीं UPES ज्यादा फेमस है. क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग अपनी ज्यादा करी दी है. तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम स्टडीज, क्योंकि इनके एक स्पेसिफिक कोर्स भी है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम के कोर्स की वजह से, प्लस इन्होंने इतनी ज्यादा मार्केटिंग करी है थ्रू आउट पिछले 10 सालों में कि दे हैव बिकम अ बिट मोर फेमस. बट आप डिफरेंस देखिए इन दोनों का रैंकिंग का, ऑलमोस्ट 40 का डिफरेंस है इनकी रैंक्स में. और वही ग्राफिक एरा की जो परसेप्शन है लोग बहुत नहीं जानते, बट इट इज अ गुड कॉलेज ऑफ उत्तराखंड. अगर हम इनके क्वालिटी ऑफ टीचर्स के बारे में बात करें, जो NIRF रैंकिंग में इनको मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20 कि इनके जो टीचर्स हैं उनका PhD है कि नहीं है, कितने क्वालिटी पेपर्स हैं जो बाहर पब्लिश हुए हैं, इनकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है या जहां से इन्होंने पढ़ाई करी है वो किस लेवल के कॉलेजेस हैं, तो इसमें जो IIT रुड़की को मार्क्स मिले हैं, IIT रुड़की को 16 आउट ऑफ 20 मिले हैं. तो IIT रुड़की को 16 मिले हैं, वहीं IIT दिल्ली को 18 और IIT कानपुर या IIT बॉम्बे को 19, बस 20 किसी को नहीं मिला है. तो 16 इज अ वेरी गुड स्कोर. वहीं जीबी पंत यूनिवर्सिटी को 14 आउट ऑफ 20, मतलब इनमें से रिसर्च भी इनके वहां अच्छी हो रही है, हर साल पेपर्स भी पब्लिश हो रहे हैं, अप टू डेट टीचर्स हैं. ग्राफिक एरा को 12 मिले हैं, 12 आउट ऑफ 20, और UPES को केवल 9 मिले हैं. क्वालिटी ऑफ टीचर्स, रिसर्च, पब्लिकेशन में केवल 9 मिले. इनमें ही इतना ज्यादा गैप है ग्राफिक एरा और UPES में. आप इसको देखिए और इसको देखिए तो 3 का गैप हो गया है ऑलमोस्ट. तो दिस इज क्वाइट अ ह्यूज गैप एंड दिस UPES दो हैविंग नॉट एज मच एज अ गुड फैकल्टी एज ग्राफिक एरा स्टिल इज मच मोर फेमस देन ग्राफिक एरा.
तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, बिकॉज टीचर्स इतना ज्यादा इंपैक्ट आप पे डालेंगे। क्योंकि अगर आप यूपी में पढ़ेंगे तो टीचर्स आपको कह देंगे नहीं, गेट पहले दो, आईएएस पहले दो, पीएसयू के लिए ही ट्राई करो, और बिना स्ट्रैटेजी के अगर आप चल देंगे तो 2-3 साल तो उसमें चला जाएगा। कोई प्राइवेट जॉब की बात ही नहीं करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई फॉरेन में जाके पढ़ाई करने की बात ही नहीं करेगा, वो सब ऐसे ही नकार दिया जाएगा बिकॉज उसमें एक्सपीरियंस ही नहीं है और हमें डर भी लग रहा है, एक अननोन टेरिटरी है। तो इसलिए जो टीचर्स क्या कहेंगे बहुत अफेक्ट करेगा। वो खुद अगर बाहर के पढ़े हुए हैं, वो खुद अगर आईआईटी से एमटेक करें, तो वो फिर आपको उस तरह से गाइड करेंगे जो यूपी के कई कॉलेज में आईआईटी से पढ़े हुए प्रोफेसर्स हैं, आईआईटी से पढ़े हुए असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जहां वो हैं आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी, आपके टीचर्स जैसी ही। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द कंपेयर इट विद यूपी रिलेटेड कॉलेजेस। सो लेट अस नाउ कंपेयर ग्राफिक एरा with the private colleges of Uttar Pradesh and some other private colleges जिनमें हो सकता है आपको मन हो एडमिशन लेने का, और ये और ग्राफिक एरा ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं जो इनकी फैकल्टीज हैं, 50 फैकल्टीज है, मैं सी एस की बात कर रहा हूँ अभी। सी एस में 50 में से जो है 17 ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने पी एच डी करी हुई है, ऐसे 17 टीचर्स हैं। अगर हम यूपी में देखें तो ये जो कॉलेजेस मैंने लिखे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जे आई आई टी, जे पी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमिटी, दयालबाग, ये सब की रैंकिंग जो है आसपास ही है टू ग्राफिक एरा, या तो थोड़ा पीछे है या फिर थोड़ा आगे है, मतलब या फिर जे आई टी इज द फर्स्ट कॉलेज जो इससे सबसे क्लोजेस्ट है, तो इन सबकी ऑलमोस्ट रैंकिंग इसके आसपास है। लेकिन कल्चर बहुत अलग है। कुछ और यूपी के कॉलेजेस देख लेते हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ABES, GLA मथुरा, JSS, JSS का कल्चर जब मैं बात करता हूँ, मेरे मतलब ये है कि सोच टीचर्स की कैसी है, किस तरह की फैमिली से बच्चे आ रहे हैं उनकी सोच क्या है, और ये दोनों चीज़ मिलके कल्चर बनाएगी और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पे डालेगी कि आप आगे क्या करेंगे। तो JSS का थोड़ा कल्चर अलग है, नहीं तो बाकी जितने का है KIT, ABES, GLA, गलगोटिया, इन सब का कल्चर ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। LPU और IP दिल्ली, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इन दोनों का कल्चर एक जैसा है और इनके जो फीस है वो भी ऑलमोस्ट ग्राफिक एरा जितनी है। तो ये सब आपके लिए एक तरह से क्या कहते हैं, कंपटीशन हो गया जब आपको कॉलेज लेना है कि मैं ग्राफिक एरा लूँ क्या, मैं ये सब लूँ, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट एक जैसा प्लेसमेंट है, सबका एक जैसा जो है क्या कहते हैं रैंकिंग है, बट कल्चर में वास्ट डिफरेंस है। ग्राफिक एरा में किस फैमिलीज के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे किसके बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर टीचर्स कैसे हैं। दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी, दयालबाग, MIT, JIIT में क्यों रैंकिंग ज़्यादा है, क्योंकि फैकल्टी की स्टेबिलिटी, फैकल्टी जल्दी नहीं चेंज करती है। वहीं पे अगर इन कॉलेजेस में आप जाएंगे तो इन ये हर साल क्या होता है कि इनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो लोग आते हैं, वो तैयारी करते हैं फिर वहाँ बैठ के, तैयारी हो सकता है PhD के लिए, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और हो सकता है कहीं बाहर जाने के लिए, तो वो तैयारी करते हैं। तो क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं, उनका मेन जो टीचिंग है वो एज अ जॉब ही रह जाता है, सो दे आर नॉट दैट डेडिकेटेड। मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ कि ऐसा सोच लेके इन कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पुराने, इनकी फैकल्टी एक स्टेबल है, हम चेंज ज़्यादा नहीं होती, ये इसलिए आपको असर नहीं डालेगा। LPU और IP दिल्ली में भी कल्चर अलग हो जाता है थोड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स अब अलग तरह से ही आएंगे, अलग स्टेट से ही आ रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा एम आई कंफर्टेबल विद इट और नॉट। अब हम लोग फीस की बात करते हैं ग्राफिक एरा की। ग्राफिक एरा में क्या है कि या तो मेंस के थ्रू होता है या 12th के मार्क्स के बेसिस पे। मेंस में आप कितनी परसेंटाइल ला रहे हैं और 12th में कितने मार्क्स ला रहे हैं उस पर डिसाइड होगा कि आपकी कितनी फीस होगी। अगर आप 90% ले आ रहे हैं 12th में या फिर 90% के ऊपर ले आ रहे हैं JEE मेंस में, तो आपकी फीस होगी 6 लाख पूरे चारों साल की विदाउट हॉस्टल। अगर आप 85 से 90 के बीच में ला रहे हैं तो आपकी 6.5 लाख होगी 4 ईयर्स की। अगर आप 80% से 85% के बीच में ला रहे हैं तो आपकी 7 लाख फीस हो जाएगी। अगर आप 70 to 80 के बीच में ला रहे हैं तो उसी हिसाब से 7.5 लाख या 8 लाख इज द हाईएस्ट, दैट मींस 2 लाख पर साल की आपकी ट्यूशन फीस होगी।
एकदम से मैं पूरा बता रहा हूँ इसलिए बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए इन किसी भी कॉलेज में, किसी भी इन सारे कॉलेजेस में किसी की भी फीस, टोटल फीस जो है 8 to 9 lakhs के बीच में ही रहती है। दिस इज इंक्लूडिंग हॉस्टल। इसमें अगर आप हॉस्टल इंक्लूड कर देते हैं तो ये 9 lakh to 11 lakh हो जाती है। बट द डिफरेंस इन दिस फीस, जो 2 lakh का डिफरेंस आ भी रहा है, वो तो इफ यू डू नॉट टेक द हॉस्टल, आप बाहर रह लेते हैं, यू कैन मेक अप। बट जो कल्चर का डिफरेंस है, दैट यू कैन नॉट मेक अप, क्योंकि यहां पे आपको जो टीचर्स मिल रहे हैं और जो आपके स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, प्लस जो इनकी रैंकिंग है, ये सब आपको फर्क डालेगी, क्योंकि इनके पास सी एस के काफी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा एनालिटिक्स में, जो अभी जो कल्चर यूपी में शुरू ही नहीं हुआ है। तो जब वो शुरू होगा अभी 5 साल बाद, वो ऑलरेडी ये लोग कर रहे हैं। सो ये जो डिफरेंस है, मैं ये नहीं कह रहा यू बिलीव मी, बट आप वहाँ के स्टूडेंट से पूछिए, वहाँ एक बार जाके देखिए, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन। सीधे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन मत ले लीजिए। लेट अस टॉक नाउ अबाउट ग्राफिक एरा प्लेसमेंट्स। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज वी आर गोना टेल यू अबाउट द प्लेसमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, करियर्स अब्रॉड, डिफरेंट करियर्स। और आपको कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में जानकारी चाहिए, देन यू कैन राइट टू अस एंड वी विल मेक अ एनालाइज वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो लेट अस लुक इनटू द प्लेसमेंट्स ऑफ ग्राफिक एरा। पहली चीज कंपनीज, कंपनीज यहाँ अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, अच्छी बड़ी कंपनीज आती हैं, जो शायद अगर हम उत्तर प्रदेश या राजस्थान में देखें, एमपी में देखें, कम कॉलेजेस में आती है। नोएडा के कॉलेज में फिर भी ये कंपनीज आपको मिल जाएंगी, जैसे कि अडोप हो गया या आईबीएम हो गया। अडोप, आईबीएम का एक और चीज़ है, आईबीएम यहाँ पे अपने कोर्सेज भी रन करता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर साइंस है, सो दैट इज इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम। आईबीएम विल गिव देयर ओन फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स और देयर ओन एक्सपर्टीज इन द करिकुलम ऑफ द सब्जेक्ट, डेटा एनालिटिक्स या फिर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। तो ये खुद भी रन करता है, तो ये यहाँ से प्लेसमेंट्स भी लेता है। तो नोएडा के कुछ कॉलेजेस में ये कंपनीज आ जाएंगी, नहीं तो जनरली उत्तर प्रदेश में तो TCS, इंफोसिस या विप्रो ही लेंगे, विच इज नॉट बैड एट ऑल। कंपनीज TCS, विप्रो, इंफोसिस कोई बुरी नहीं है, बट ये भी जब उत्तर प्रदेश में आएंगी तो कुछ ही कॉलेजेस हैं, GLA, गलगोटिया, ABES, जहां से ये ठीक ठाक एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके जा रही है, बाकी जगह प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अगर अब हम प्लेसमेंट्स की बात करें, केवल CS की, अगर हम CS की बात करें, तो CS में इनका काफी अच्छा प्लेसमेंट है कंपेयर टू ऑल द कॉलेजेस इंक्लूडिंग UPES प्राइवेट इन UP, राजस्थान, MP, सबसे कंपेरेटिवली काफी अच्छा है। आसपास 2-3 कॉलेज होंगे, वो मैं अगर मुझे याद आया ड्यूरिंग द वीडियो कि कौन से इनके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो आई विल टेल यू, बट ये अमंग द बेस्ट हैं। CS में ये है कि 5 lakh तक का जॉब लगने का आपकी पॉसिबिलिटी है। इनके साइट पे तो इस वक्त खैर काफ़ी हायर रेंजेस के जॉब दिए हुए, लेकिन मैंने वो डेटा नहीं लिया है, मैंने लिया है NIRF को, जो डेटा सबमिटेड था लास्ट ईयर का, मैंने वो लिया है, जिनमें से ये था कि 495 स्टूडेंट्स जो इनके पूरे प्लेसमेंट में आए, उनमें से 264 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल गया, और हायर स्टडीज के लिए 50 स्टूडेंट्स चले गए हायर स्टडीज के लिए। अब हायर स्टडीज में चाहे वो MBA करने गए हों या MTech करने गए हों या फिर MS करने गए हों, बट इतने स्टूडेंट्स गए। जो एक मीडियन सैलरी इनके वहां दी गई है वो तकरीबन 3.25 की है, 3.25 lakhs की है। सो ये अच्छा है, आपको एक जॉब मिल जाएगा, बिकॉज द वर्स्ट कंडीशंस आर which is taking place in many students, उन्हें जॉब ही नहीं मिल रहा है, और साल साल दो दो साल वो लोग बिना जॉब के हैं, प्लस वो लोग अगर अपनी तैयारी भी कर रहे हैं गेट की या PSU के लिए, उसके लिए भी तो एक मेंटेलिटी चाहिए ना, जो आपकी पहले से प्लान होनी चाहिए। आप एकदम BTech करके ये सब में करेंगे फिर 2 साल, एंड बाई द टाइम यूर 23-24, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। यहाँ पर एंट्री फिर भी ईजी होती है, तो प्लीज चूज योर कॉलेज वेरी केयरफुली। अब अगर हम ये पूरा देखें भी, तो इसमें जो प्लेसमेंट हो रहा है ये तकरीबन 60% का प्लेसमेंट है। तो अब 60% ओवरऑल है, मतलब मैकेनिकल, सिविल, ECE, इलेक्ट्रिकल, IT सब मिला के CS का प्लेसमेंट इनका जो है तकरीबन 80% के करीब जा रहा है, 80% करीब, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। मैकेनिकल, सिविल, EEE, 3 इन ब्रांचेज में, मैकेनिकल, सिविल, EEE में मानिए 10-20% से ज़्यादा प्लेसमेंट है ही नहीं छोटे कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में, कोर कंपनीज में। IT में आप जा सकते हैं,
सीएस में 80% का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। तो ये ओवरऑल इनका प्लेसमेंट का सिनारियो है, ये आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका NIRF का डेटा भी जो सबमिटेड था वो लगा दूंगा। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग करियर कुल फॉर मोर करियर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। Career Kul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12 and career counseling services.